हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बिना तेल के, बिना प्याज, बिना लहसुन के और अदरक के मैंने पंजाबी छोले बनाने की एक रेसिपी डाली थी। वो रेसिपी मेरी यूट्यूब पर बहुत लोगों ने देखी, बहुत उस पर लाइक्स आए और बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स और फीडबैक मिली उस वीडियो की। तो आज उसी वीडियो से इनकरेज होकर मैं आज एक और वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें एक ऐसी रेसिपी जिसमें मैंने एक भी बूंद इस्तेमाल नहीं की है ऑयल की, वो है ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी। आप भी हैरान हो गए होंगे सुनकर के बिना ऑयल के ब्रेड पकौड़े कैसे तले जाते हैं। तो यही मेरी इस आज वीडियो का राज है। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और तभी आपको पता लगेगा कि बिना ऑयल के मैंने ये ब्रेड पकौड़े कैसे तले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बनाना। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं YouTube पर जब भी अपना कोई नया वीडियो या नई रेसिपी डालूँ तो उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी, वो भी बिना ऑयल यूज़ किए। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 स्लाइसेस सैंडविच ब्रेड, 1 बाउल बेसन लिया है, लेयरिंग के लिए मैंने लिए धनिया पुदीना की चटनी, थोड़े से मैंने लिए हैं धनिए के बीज जिनको मैंने क्रश कर लिया है, अजवाइन लिए है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक और मिर्च ये भी हम डालेंगे, ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है मैंने हैंडफुल, 2 आलू जो मैंने बॉईल कर लिए हैं और टोमेटो सॉस जिसको हम लेयरिंग के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आलूओं को कद्दूकस करूंगा। अब इन कद्दूकस किए हुए आलूओं में मैं मिक्स कर रहा हूं ये कद्दूकस किया हुआ पनीर, हरा धनिया, अमचूर, चाट मसाला और ये जो मैंने धनिया के बीज लिए थे इसमें से मैं आधे धनिया के बीज इसमें अभी डाल रहा हूं, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक 3/4 टीस्पून। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा मैं इसको ऐसे स्पून के साथ मैश भी कर देता हूं, ताकि इसमें एक तो मिक्सचर हमारा इक्वली मिक्स हो जाएगा और प्रॉपर इसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा अब स्टफिंग के लिए मिक्सचर हो गया है तैयार। फ्रेंड्स, स्टफिंग को मैंने निकाल लिया एक अलग से बाउल में और उसी मिक्सिंग बाउल के अंदर अब हम बनाएंगे अपना बेसन का मिक्सचर। अब मैंने वो 1 बाउल बेसन लिया है, उसमें डाल रहे हैं अजवाइन 1 टीस्पून, ये धनिया के बीज जो मैंने थोड़े से रख लिए थे वो, नमक हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अब इनको भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे पहले ड्राई ही। अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे लस्सी, मैं लस्सी में बना रहा हूँ इसको। अगर आप लस्सी में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पानी में भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें लस्सी डालूंगा और ऐसे इसको मिक्स करता रहूंगा। हमने इसका मिक्सचर ना बहुत ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला करना है इसका। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी मेरी आई है। तो जब आपकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाता हूँ कैसी होनी चाहिए, देखिए इसकी एक पूरी ऐसे पतली धार बननी चाहिए। और इसको आप थोड़ा सा बनाने के बाद मिक्सचर को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से बीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से इसको मैं एक बार बीट करता हूँ 1-1.5 मिनट के लिए, ताकि इसमें लम्प सारे खत्म हो जाए। अच्छे से बीट कर दिया है मैंने, तो आप देखिए हमारे इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में अब हम स्टफिंग लगाएंगे अपने ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। ऐसे मैंने एक ब्रेड के स्लाइस ली है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगा सॉस की स्टफिंग। सॉस की एक ऐसे लेयर डाल के ऊपर अच्छे से हमने इसके ऊपर काफी सारा सॉस लगाना है। सॉस लगाकर इसको अब हम ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। तो देखिए ऐसे सारा सॉस मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम लेते हैं दूसरा स्लाइस और दूसरे स्लाइस के ऊपर अब हमने डालनी है अपनी ये आलू और पनीर की स्टफिंग। इसको भी हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर और अच्छी सी एक मोटी सी हम इसकी लेयर इस पे लगा देते हैं। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगा दी है आलू और पनीर की स्टफिंग। अब इसको मैं इसी स्लाइस के ऊपर ऐसे रख दूंगा और अब हम लेंगे अपना तीसरा स्लाइस। तीसरे स्लाइस के ऊपर हमने डालनी है
धनिया पुदीने की चटनी, इसको भी हमने ऐसे पूरे स्लाइस के ऊपर लगा के अच्छे से इसकी लेयर एक स्प्रेड कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने इसकी लेयर लगा दी है धनिया पुदीने की चटनी इसके ऊपर। अब हम इस स्लाइस को भी इसी के ऊपर रख देते हैं अपने आलू की स्टफिंग वाली स्लाइस के ऊपर। और अब लास्टली इसके ऊपर हमने लगा देनी है एक प्लेन स्लाइस। तो ये देखिए मेरा, ये चार लेयर वाला मेरा बन गया है ब्रेड पकोड़ा। एक में हमने डाला है टोमेटो सॉस, आलू की स्टफिंग और पुदीने की चटनी। तो ये था हमारा एक टाइप का ब्रेड पकोड़े के स्लाइसेस। अब हम दूसरे टाइप का आपको बताते हैं। दूसरे टाइप के लिए भी मैंने लिए हैं ऐसे दो स्लाइसेस। एक स्लाइस के ऊपर मैं वैसे ही लगाऊंगा अपने ये आलू की स्टफिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो ये देखिए, ऐसे मैंने इक्वली सारी स्टफिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है आलू और पनीर की। अब दूसरी स्लाइस को मैं इसके ऊपर ऐसे रख देता हूं। तो ये मेरा बन गया है दूसरा स्लाइस ब्रेड पकोड़े के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हम अपने ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, वो भी ड्राई रोस्ट करके। मैं जो ये ब्रेड पकोड़े बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बिना ऑयल के, बिना उनको डीप फ्राई किए हुए, वो बना रहा हूँ मैं ओवन के अंदर। मेरे पास इलेक्ट्रिक तंदूर है, यानी कि इलेक्ट्रिक ओवन है, तो इसमें हम बनाएंगे। ओवन को मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, तो मैंने इसके दोनों टॉप और बॉटम दोनों इसके एलिमेंट ऑन कर दिए, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से हमारा पूरा इसको क्रंची बनाए हमारे ब्रेड पकौड़े को। जब तक हमारा ये प्री हीट होता है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। मैंने लिया है एक फॉयल पेपर, जिसको मैं इस ओवन में हमारी जो ट्रे होती है उसके बीच में रखूंगा। इसको मैं हल्का सा कर देता हूँ ग्रीसिंग, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा के मैंने इसको अच्छे से ऑयल को इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, ताकि जब हम पकोड़ा बनाएं तो वो इसके साथ वो चिपके ना। बिल्कुल पतली सी हमने एक इसके ऊपर लेयर इसकी ऐसे लगा देनी है ऑयल की। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको अपने ओवन की ट्रे के बीच में रख देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे अपने ओवन की ट्रे में ये फॉइल पेपर को रख दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था बेसन का, अब हम इसमें अपने स्लाइसेस को डिप करके ब्रेड पकोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये चार स्लाइस वाला अपना ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए जो मैंने तैयार किए थे स्लाइस। इसको मैं अच्छे से ऐसे इसमें अपने मिक्सचर में डिप कर रहा हूँ। इसको ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा टाइट ऐसे पकड़ के रखेंगे और ऐसे चारों तरफ से इसको पहले डिप कर लेंगे। अच्छे से हमारी इसकी लेयर लग जानी चाहिए बेसन की, और फिर एक साइड और फिर ऐसे दूसरी साइड। ये देखिए, ऐसे लगाने के बाद चारों तरफ से अब मैं इसको रख देता हूं इसके फॉयल पेपर के ऊपर। बड़े ध्यान से हमें रखना है, क्योंकि हमारा ये जो ट्रे होता है हल्का सा गर्म होता है। तो एक साइड पे मैं इधर रख देता हूँ इसको फॉयल पेपर के ऊपर। और ऐसे ही अब मैं ले रहा हूं अपनी दूसरी स्लाइस। दूसरी स्लाइस को भी ऐसे ही मैंने पहले चारों तरफ से इसके ऊपर बेसन लगा देना है, और एक साइड और फिर ऐसे दूसरी साइड। इसको भी हम ऐसे अब इसकी ट्रे में रख देते हैं। ये देखिए, और अब हम इसको माइक्रोवेव के, सॉरी, अपने ओवन के अंदर इसको डाल देते हैं। इसको हमने हीट करना है, बीच बीच में हमने ऐसे चेक करते रहना है अपने ब्रेड पकोड़े को। तो ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया है। ये वाला थोड़ा अभी रहता है, क्योंकि ये थोड़ा एलिमेंट के हमारा पास है, तो ऐसे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। ये ज्यादा ओवरहीट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला ब्रेड पकौड़ा है ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। ये वाला में अभी थोड़ा सा इधर से देखिए बन चुका है, और इधर से भी हल्का सा इसमें पिंकिश कलर आना शुरू हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले को निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि ताकि ये ओवरहीट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम आराम से उठा के देखते हैं कि ये बन गया है दोनों साइड से। नहीं, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था तो बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये फॉइल पेपर के साथ। वाह, ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा चारों तरफ से इक्वली बन गया है, अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा ब्रेड पकौड़ा बना है। तो अब हम इसको गर्म है थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान से इसको मैं ऐसे निकाल के रख देता हूँ। और अभी मेरा दूसरे वाला जो ब्रेड पकोड़ा है, वो अभी थोड़ा सा उसमें इसको अभी इस साइड से ये कच्चा है, तो मैं दोबारा इसको 1 से 2 मिनट और हीट करता हूँ।
अपने इलेक्ट्रिक तंदूर में। अब 2 मिनट बाद हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना हमारा क्रंची यहाँ से ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना एक भी बूंद ऑयल के मैंने ये ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। यानी कि जो लोग अब ऑयल नहीं खा सकते या डॉक्टर ने जिन्हें ऑयल खाने के लिए मना कर रखा है, वो अगर इस तरीके से ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं तो वो ब्रेड पकौड़े बनाकर खा सकते हैं, उनकी हेल्थ पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा ब्रेड पकौड़ा बन गया है, अब हम इसको भी निकाल के बाहर रख देते हैं। तो अब एक साइड से मैं फॉइल पेपर को हल्के से उठाता हूँ, हमारा ये ट्रे बहुत गर्म होता है, तो अब मैंने एक हाथ में ग्लव पहना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये भी हमारा कितना बढ़िया बना है। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा इसका क्रंचीनेस इसके अंदर हमारे ब्रेड पकौड़े में आई है, और ये देखिए चारों तरफ से ये इक्वली रोस्ट हो गया है। बिना ऑयल के मैंने ये देखिए ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। तो अब हम इसको सर्व करते हैं धनिया पुदीने की चटनी और टमाटो केचप के साथ। तो फ्रेंड्स देखा आपने बिना ऑयल के मैंने ब्रेड पकौड़े कैसे बनाए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिएगा अगर आपके घर में तंदूर है या ओवन है। तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने घर पर ब्रेड पकौड़े बनाए, कैसे बने, इनका टेस्ट कैसा आया। और ये बहुत ही अच्छे स्नैक्स हैं अगर आपके घर में कोई ऑयल वाली चीज़ें खाना पसंद नहीं करता है, तो ये आप ज़रूर बनाकर एक बार उन्हें खिलाइए। देखिए वो इस डिश के कायल हो जाएंगे। और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी अपना कोई नया वीडियो डालूं तो उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और नियर एंड डियर्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बिना ऑयल के ब्रेड पकौड़े कैसे बनाए जा सकते हैं। और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।